Hello students, I am Ruchika from English Academy. Today we will study this lesson for students of class 9th. Ye chapter bhi aapki Beehive book se hai. Chapter ka naam hai If I Were You, written by Douglas James. चैप्टर है इफ आई वर यू. दिस इज अ प्ले. प्ले में क्या होता है, दो कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में और वो दोनों अपने डायलॉग्स बोलते हैं. एक कैरेक्टर है गेरार्ड का. गेरार्ड एक प्ले राइट है, वो प्लेज लिखता है. और दूसरा कैरेक्टर है इंट्रूडर का, एक घुसपैठिया जो कि गेरार्ड के घर में घुस आता है. और ये जो इंट्रूडर है ये गेरार्ड को मारकर इसकी आइडेंटिटी चुराना चाहता है और खुद गेरार्ड बन के अपनी जिंदगी जीना चाहता है. That is why the title is If I Were You. तो ये I कौन है? Intruder. तो ये जो intruder है ये Gerard बनकर जीना चाहता है. So let us begin with the chapter. We'll read the play. I'll explain the word meanings of difficult words and I'll explain the dialogues to you. First of all the scene. Scene में क्या होता है, play में जब भी आप एक्चुअली प्ले को इनैक्ट कर सकते हैं स्टेज पर, तो जो सेटिंग होती है स्टेज की उसे सीन कहते हैं. व्हाट इज द सेटिंग, क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं वहां पर, कमरे का क्या सीन है, कमरे में क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, क्या लेआउट है, दैट इज कॉल्ड अ सीन. सो द सीन ऑफ दिस प्ले इज अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से कॉटेज का अंदर का रूम. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टन्ड. तो एक एंट्रेंस है कमरे की राइट साइड पर पीछे और उसके ऊपर एक कर्टन डाला हुआ है. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर. एक और दरवाजा है कमरे में जो कि लेफ्ट तरफ पे खुलता है, वो एक प्रैक्टिकल डोर है, वो यूज हो रहा है, उस पर कर्टन नहीं डला हुआ. द फर्नीचर इज सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट. On the table is a telephone. तो अब ये जो रूम है इसमें क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, सिंपल फर्नीचर है. एक टेबल पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पर, एक या दो कुर्सियां पड़ी हुई हैं और एक दीवान पड़ा हुआ है. What is a दीवान? दीवान is a single bed. और ये बहुत सारे लोगों के घरों में लॉबी में भी रखा जाता है, मीन्स लिविंग एरिया में भी रखा जाता है, वैसे इस रूम में भी पड़ा हुआ है. और जो टेबल पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक टेलीफोन है. So this is the scene of this play. Now let us move ahead. When the curtain rises, as I told you, stage पर आप play को enact कर सकते हैं. तो जब पर्दा हटेगा तब क्या scene आ रहा होगा? Gerard is standing by the table making a phone call. Gerard, who is one of the characters, one of the two characters in this play, वो phone पर बात कर रहा है. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. Cultured means educated, refined. तो अब यहां पर हमें गेरार्ड की डिस्क्रिप्शन पता चल रही है. गेरार्ड की हाइट मीडियम है. मीडियम हाइट मीन्स ही इज नॉट वेरी टॉल एंड ही इज नॉट वेरी शॉर्ट. मीडियम हाइट का है. ही इज वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. व्हाट आर हॉर्न रिम्ड ग्लासेस? अब अगर स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, अलग अलग शेप्स के फ्रेम्स होते हैं, तो हॉर्न रिम्ड कैसे हुए? ऐसे तीखे तीखे से स्पेक्टिकल्स, ऐसे शेप के स्पेक्टिकल्स गेरार्ड ने पहने हुए हैं. उसने एक लाउंज सूट पहना है, उसके ऊपर एक ग्रेट कोट पहना हुआ है और उसकी वॉइस कल्चर्ड है. ऐसा लग रहा है कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है. नेक्स्ट देखते हैं गेरार्ड. वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. आई मस्ट नो. यस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय. अब ये गेरार्ड की कॉन्वर्सेशन है फोन पर. वो कहता है कि उसे कह दो कि खुद ही मुझे फोन कर लेगा, मुझे पता होना चाहिए. एंड देन ही सेज आई एक्सपेक्ट आई विल बी हियर, लेकिन मेरी बात का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊं. और फिर वो गुड बाय कहकर फोन बंद कर देता है. ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग. उसके बाद जब गेरार्ड ने फोन रख दिया, वो दीवान के पास जाता है और अपना ट्रैवलिंग बैग पैक करने लग जाता है. व्हाइल ही इज दस एंगेज्ड अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू गेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली.
revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound, Girard turns quickly. यही चीज आप इस इमेज में भी देख सकते हैं जब गिराड अपना बैग पैक कर रहा होता है पीछे से कमरे की राइट साइड से एक आदमी कमरे में घुस आता है ये कौन है ये इंट्रूडर है हमारे प्ले का सेकंड कैरेक्टर इसके हाथ में एक बंदूक है और इसने बंदूक गिराड पर एम की हुई है जब ये चल रहा होता है ये टेबल को हिट कर जाता है और जो आवाज होती है उसकी वजह से गिराड पीछे मुड़कर देखता है गिराड सेज प्लेजेंटली Why? This is a surprise, Mr. अब गिराड को नहीं पता ना ये आदमी कौन है ये एक स्ट्रेंजर है लेकिन फिर भी गिराड बड़ा खुश होके बड़ी स्माइल के साथ उसे कहता है वाह क्या सरप्राइज है और फिर वो उसे मिस्टर करके एड्रेस करता है क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पता वो जानना चाहता है कि आदमी कौन है इंट्रूडर रिप्लाइज आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग Put those paws up. Paws means hands. अब ये जो इंट्रूडर है कहता है मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझे देखकर इतने खुश हो लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी क्यों क्योंकि इंट्रूडर का प्लान ये है कि उसने इसको मारना है और फिर वो उसे कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो ये डायलॉग तो हमने बहुत बार मूवीज में भी सुना है जब भी कोई बंदूक किसी पर एम करता है तो उसे कहता है कि अपने हाथ ऊपर कर लो ताकि वो अपने हाथों से इसे किसी भी तरह से अटैक ना कर पाए गिराज सेज दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट अब गिराज उसे कहता है व्हाट इज मेलोड्रामेटिक मेलोड्रामेटिक मींस कोई ऐसा सीन कोई ऐसा काम जिसमें जो आपकी इमोशंस हैं वो जरूरत से ज्यादा शो हो रही हैं एक्सेसिव इमोशंस तो गिराड उस इंट्रूडर को कहता है कि जो तुम बिहेव कर रहे हो ये ऐसे लग रहा है कि तुम नाटक कर रहे हो ओरिजिनल नहीं लग रहा क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो और अभी वो बोल ही रहा होता है कि इंट्रूडर उसे इंटरप्ट करके कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड अब इंट्रूडर कहता है कि मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं और आगे वो कोई वर्ड नहीं बोल पाता वो कंफ्यूज हो जाता है कि आगे क्या बोलूं तो गिराड क्या कहता है Nonchalant is your word, I think. What does nonchalant means? Not showing anxiety, interest or enthusiasm. So, Girard says, I think you would like to say that you would like to show yourself calm and disinterested. You would like to show yourself that you are very calm and you don't have any interest in anything, no anxiety, you are very relaxed. Intruder replies, thanks a lot. You'll soon stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things. See. Intruder kehta hai, theek hai, thanks for helping me. Tumne mujhe word suggest kiya, uske liye thanks. Lekin, abhi jo tum zyada smart banne ki koshish kar rahe ho, thodi der mein tumhari ye smartness khatam ho jayegi. Main tumhe crawl karwaunga. Crawl means rengna, jaise ke saamp zameen par crawl karta hai. Aisa wo kyun keh raha hai? Kyunki uska irada hai ise maarne ka. वो इसे तंग करना चाहता है उसे मारना चाहता है और गुस्से में है और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने से पहले कुछ बातें जानना चाहता हूं देन लेट अस रीड फर्दर गिराज सेज एनीथिंग यू लाइक आई नो ऑल द आंसर्स बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माय पोजीशन यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट तो गिराज इंट्रूडर को कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा लेकिन मैं थोड़ा कंफर्टेबली बैठना चाहता हूँ अभी गिराड खड़ा हुआ था ना वो अपना बैग पैक कर रहा था तो वो उसे कहता है कि पहले मैं बैठ जाऊं फिर मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा इंट्रूडर सेज सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग नाउ देन वील हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ इंट्रूडर गिराड को कहता है कि वहीं पर बैठ जाओ और मेरे साथ कोई शरारत करने की कोशिश मत करना और वो गिराड को इशारा करता है एक कुर्सी की तरफ और उसे कहता है कि वहां पर बैठ जाओ और इंट्रूडर खुद गिराड के बैग के पास बैठ जाता है दीवान पर और फिर वो उसे कहता है कि अब हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे इंट्रूडर गिराड के बारे में बातें क्यों जानना चाहता है जैसे कि वो गिराड की आइडेंटिटी स्टील करना चाहता है गिराड का खून कर देना चाहता है और खुद गिराड बनकर जीना चाहता है
तो वो गिराड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है जिसके बेसिस पर वो गिराड बन सके, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन. तो वो क्या पूछता है, गिराड कहता है एट लास्ट अ सिंपथेटिक ऑडियंस. सिंपथेटिक मींस कोई इंसान जो उसके साथ सिंपथाइज कर रहा है, और ऑडियंस मींस कोई सुनने वाला. तो गिराड इंट्रूडर को कह रहा है कि हाँ फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो कि मेरी कहानी सुनना चाहता है. आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज. हाउ, जिप्सीज मीन्स नोमैड्स, ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं होता, जो इधर से उधर ट्रेवल करते रहते हैं. तो गिराड कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि कैसे जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था, और 32 ईयर्स की एज पे मैं एक अकेली खाली सुनसान जगह में एसेक्स में इस कॉटेज में अकेला क्यों रहता हूं. और फिर वो आगे कंटिन्यू करने लगता है कि इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू. इंट्रूडर कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बचपन की कहानी नहीं सुननी, ये सब अपने पास रखो, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो. और फिर वो कहता है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ पर. गिराड कहता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी. अब जब इंट्रूडर बोलता है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, उसके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि गिराड को लगता है कि वो उसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसे बता रहा है कि वो वहां पर अकेला रहता है. द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज सच, गिराड सेज अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर. वॉट इज इन्फ्लेक्शन, एक ऐसा वे ऑफ स्पीकिंग जिसमें आप ग्रामेटिकली बोलने के तरीके से ही ये प्रेजेंट कर देते हैं कि क्या आप क्वेश्चन बोल रहे हैं या आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं. अब जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ यू लिव हियर अलोन, इसका मतलब है मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि तुम यहाँ अकेले रहते हो. अगर मैं ऐसे बोलती हूँ यू लिव हियर अलोन, इससे क्या पता लग रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो. दिस इज इन्फ्लेक्शन, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग shows whether you are asking a question or you are speaking a statement. गिराड को भी यही confusion लगा जब intruder ने कहा you live here alone, तो उसे लगा कि वो उसे बता रहा है ना कि उससे पूछ रहा है. Intruder replies with emphasis. अब intruder ने stress डाला और अपने question को properly बोला और कहा do you live here alone? Now he is telling him that I am asking you. गिराड replies and if I don't answer, इंट्रूडर सेज यू've got enough sense not to want to get hurt. तो इंट्रूडर उसे धमकी दे रहा है, वो उसे थ्रेट कर रहा है कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इंजर कर सकता हूँ, गोली मार सकता हूँ. गिराज सेज आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन दैन इन द मेयर डिजायर टू डू सो. वट डू यू थिंक मिस्टर, गिराड कहता है कि कोई इंसान समझदार है या नहीं है वो इस चीज से पता लगती है कि क्या वो इंसान दर्द अवॉइड कर सकता है या नहीं, रादर देन कि वो डिजायर शो करे कि वो दर्द से अपने आप को बचाना चाहता है. गिराड का क्या कहने का मतलब है, वो कहता है कि अगर मैं सिर्फ ये बोलता रहूं कि मैं नहीं चाहता तुम मुझे गोली मारो, मैं नहीं चाहता तुम मुझे गोली मारो, उससे नहीं पता चलता कि मैं समझदार हूं या नहीं हूं, लेकिन अगर सच में तुम मुझे गोली मार ही ना पाओ, चाहे मैं ये चीज बोलूं या ना बोलूं, उससे ही पता लगता है कि मैं समझदार हूं. गिराड एक्चुअली इंट्रूडर से ज्यादा स्मार्ट है, वो इंट्रूडर को अपनी बातों में धीरे धीरे उलझा रहा है. इंट्रूडर सेज नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गिराड, वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम्स. अब गिराड फिर से एक बार मिस्टर करके ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस इंट्रूडर का नाम क्या है, लेकिन इंट्रूडर कहता है कि मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम बेटर लगता है. और फिर वो उससे उसका क्रिश्चियन नाम पूछता है. व्हाट इज अ क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन नेम इज योर फर्स्ट नेम गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही इज क्रिश्चाइंड और बैप्टाइज्ड. जब चर्च में ले जाके किसी न्यू बॉर्न बेबी को क्रिश्चाइन किया जाता है तो उसे एक क्रिश्चियन नेम जो कि उसका फर्स्ट नेम होता है वो दिया जाता है, उसे क्रिश्चियन नेम कहते हैं. तो इंट्रूडर गिराड से उसका फर्स्ट नेम पूछ रहा है. गिराड सेज विंसेंट चार्ल्स,
So Girard ka pura naam kya hai? Vincent Charles Girard. Intruder says, do you run a car? Kya tumhare paas gaadi bhi hai? Girard says, no. Intruder says, that's a lie. You're not dealing with a fool. I'm as smart as you and smarter and I know you run a car. Better be careful, wise guy. Intruder kehta hai ki tum mujhe jhoot bol rahe ho aur ye mat samjho ki main bewakoof hoon. Main bhi bahut zyada smart hoon aur tumse bhi zyada smart hoon aur mujhe pata hai ki tumhare paas car hai. Isliye dhyan se jawab do kyunki agar tum jhoot bologe to wo goli maar sakta hai. Girard says, are you American or is that merely a clever imitation? Imitation means to copy someone. तो गिराड इंट्रूडर से पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम अमेरिकन एक्सेंट बोलने के तरीके को कॉपी कर रहे हो. इंट्रूडर सेज, लिसन, दिस गन्स नॉट टॉय. आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माय आंसर्स. अब इंट्रूडर नहीं चाहता कि गिराड उसे किसी भी तरह के सवाल पूछे, इसलिए वो इरिटेट हो जाता है. गिराड को कहता है कि देखो जो बंदूक है ये खिलौना नहीं है, मैं इससे तुम्हें इंजर कर सकता हूं और अपने जवाब फिर भी तुमसे ले सकता हूं, इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ, मुझसे सवाल मत पूछो. किराज सेज, ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू. आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर. असिस्ट मींस टू हेल्प समवन. गिराज कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं. मेरे पास एक गाड़ी है जो कि गैराज में खड़ी हुई है. इंट्रूडर सेज, दैट्स बेटर. डू पीपल ऑफ्टन कम आउट हियर. इंट्रूडर कहता है कि हाँ अब तुम लाइन पर आ गए. और फिर वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं. गिराज सेज, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी. देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ. गिराट कहता है कि बहुत ही थोड़े से लोग हैं जो उसे विजिट करने आते हैं. और उनमें से कौन कौन है जो उसे विजिट करने आता है? बेकर आता है जो कि ब्रेड सप्लाई करता है, ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी फ्रूट वाला, और मिल्क मैन जो कि दूध देने आता है. लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग आज तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया. इंट्रूडर सेज, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. ट्रेड्स पीपल आर स्मॉल ट्रेडर्स. ऐसे लोग जो कि छोटे छोटे ट्रेड करते हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स, सेलर्स. तो इंट्रूडर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम कभी भी ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते. गिराज सेज, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल. सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट. मॉडेस्ट मीन्स नॉट टू स्पीक ऑफ वन्स ओन अबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स. अपने खुद की बात ना करना, डाउन टू अर्थ रहना, हम्बल रहना. तो गिराड कहता है कि तुमने मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा ये सब जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया. तुम कितने मॉडेस्ट हो, कितने हम्बल हो, तुम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे. इंट्रूडर सेज, आई कुड टेल यू प्लेंटी. यू थिंक यू आर स्मार्ट but I'm the top of the class round here. I've got brains and I use them. That's how I've got where I have. Intruder kehta hai, main tumhe apne bare mein bahut kuch bata sakta hoon. Tum samajhte ho ki tum bahut smart ho, tum mujhe outsmart kar doge, lekin aisa nahi hai. Main yahan par sabse zyada smart hoon, mere paas sabse zyada dimag hai aur main use bhi karta hoon. Tabhi to main yahan tak pahuncha hoon. Girard says, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. Girard usse poochta hai, aur tum apni is intelligence aur itne brain ki wajah se kahan pahunche ho? Mere is chote se cottage ke andar. To Girard kya keh raha hai ki tumne koi bahut bada kaam nahi kiya, mere is chote se cottage ke andar tum khidki tod ke ghus aaye ho. Ye koi bahut mahaan kaam nahi hai, isse nahi show hota ki tum bahut brainy ya intelligent ho. Intruder says, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. Intruder kehta hai ki jab tumhe ye pata chalega ki main tumhare cottage mein kyun ghusa hu, tab tum hairan hoge aur ye jo hairani hai tumhare liye achhi nahi hogi, tum shock ho jaoge. Kirat says, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? Or aren't you a specialist?
Embrace means to adopt something. किसी चीज को लेना. गिरार कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूं जब तुम इन्वॉल्व हो तो वे बात मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक गिरार को ये पता लग गया कि जो इंट्रूडर है वो उसे मारना चाहता है, तो उसका दुश्मन है. और फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्राइम के किस लाइन में हो, किस तरह के क्राइम करते हो, या तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो, किसी भी तरह के क्राइम्स कर लेते हो. इंट्रूडर रिप्लाइज, माय स्पेशलिटी इज जुअल रॉबरी. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. इट्स सर्टनली अ डैंडी बस. डैंडी मींस स्टाइलिश, फैशनेबल, एक्सलेंट. तो इंट्रूडर कहता है कि उसकी लाइन ऑफ क्राइम क्या है, जुअल रॉबरी. वो जूल्स को चुराता है. और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारी कार तो मेरे लिए एक ट्रीट है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी बस है. गिराज सेज, आई एम अफ्रेड जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. गिराज कहता है कि ये जो एसेक्स है ये जंगल है, वाइल्ड एरिया है, और यहां पर जूल्स तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे. तो तुम अगर जूल रॉबर हो, तुम जूल्स चुराते हो, तो तुम यहां क्या कर रहे हो. इंट्रूडर सेज, सो आर द कॉप्स. I can retire here nicely for a little while. Intruder कहता है जैसे कि Essex में jewels देखने को नहीं मिलते, ऐसे यहाँ पर cops यानी कि policemen देखने को नहीं मिलते. और वो कहता है कि मैं आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ, retire कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी चैन से जी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पुलिस के पकड़े जाने का डर नहीं है. Giraj says, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You've not been invited. Trifle means a little of something, थोड़ा सा. तो गिराट कहता है कि अच्छा तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ये तो बहुत ही अचानक से मुझे पता चला और मैंने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया मेरे साथ रहने के लिए. इंट्रूडर says, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. इंट्रूडर कहता है कि तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रहोगे. क्यों? क्योंकि वो उसे मार देगा. और वो कहता है इसीलिए मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी. Giraj says, what do you mean? Intruder says, this is your big surprise. I am going to kill you. Giraj कहता है, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? और Intruder कहता है, यही तुम्हारा surprise है, तुम्हारा shock है. और वो क्या है? Intruder कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. Giraj says, a little harsh, isn't it? Harsh means to be rude. तो वो कहता है कि तुम्हारी जो बात है, बहुत ही harsh थी, बहुत ही कड़वी थी. Intruder says with heavy sarcasm. Sarcasm means आप बोल कुछ रहे लेकिन आप उसका opposite mean करते हैं. क्या कहता है Intruder? Yeah, I'll be sorry to do it. I've taken a fancy to you, but it's just got to be done. Fancy means to like something. Intruder कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा और कोई वे नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है. Giraj says, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. Grave means something which is very serious. Giraj कहता है कि तुमने पहले ही इतने तरह तरह के क्राइम्स किए हैं, अब तुम मर्डर जैसा क्राइम क्यों करना चाहते हो? ये बहुत ही सीरियस क्राइम है, इसे मत करो. Intruder says, I am not taking it for fun. I've been hunted long enough. I'm wanted for murder already and they can't hang me twice. Intruder कहता है कि मैं कोई मजे के लिए तुम्हारा खून नहीं कर रहा हूं. बहुत देर से ऑलरेडी पुलिस मेरा पीछा कर रही है. मैं वांटेड हूं क्योंकि मैं एक मर्डर ऑलरेडी कर चुका हूं. और फिर वो कहता है कि अगर मैं दो बार भी मर्डर कर दूंगा तो उसकी सजा क्या है? वो मुझे फांसी से ही लटकाएंगे ना, और ये सजा तो एक ही बार मिलेगी. तो क्या कह रहा है, अगर वो एक मर्डर करे या फिर वो दो मर्डर्स करे, उसकी पनिशमेंट तो सेम ही है कि वो उसे हैंग टिल डेथ कर देंगे. और वो कहता है कि दो बार मर्डर करने की सजा को ये तो है नहीं कि वो उसे दो बार जान से मारेंगे. तो चाहे वो एक मर्डर करे या दो मर्डर करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए वो गिराड का खून करने के लिए तैयार है. गिराड सेज, यू आर प्लानिंग अ ग्रैटिट्यूस डबल, सो टू स्पीक. ग्रैटिट्यूस डबल का मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूस का मतलब है टू डू समथिंग विदाउट रीजन. बिना किसी कारण के अगर आप कोई काम करते हैं, दैट इज ग्रैटिट्यूस. तो गिराट कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है मुझे जान से मारने का, लेकिन
तुम्हें मुझे मारने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुमने एक खून किया हुआ है जिसकी सजा होगी तुम्हें कि वो हैंग टिल डेथ कर देंगे, और अगर तुम एक और मर्डर भी कर दोगे तो भी सेम सजा मिलेगी, इसलिए तुम बिना किसी रीजन के मुझे मारना चाहते हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। गेराट कहता है कि मान लिया अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे मारने से तुम्हें फायदा क्या होगा जो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। इंट्रूडर सेज I have got freedom to gain. As for myself, I am a poor hunted rat. As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. Ready to beat it ka matlab hai to leave immediately. इंट्रूडर कहता है कि तुम्हें मार के मुझे आजादी मिल जाएगी। वो कहता है कि अभी जब मैं अपने आप की तरह जिंदगी जी रहा हूं तो मैं एक पुअर हंटेड रैट हूं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है क्योंकि मैंने एक खून किया हुआ है। अगर मैं विंसेंट चार्ल्स गेराट बन के जिंदगी जीऊंगा तो मैं आजादी से जीऊंगा और मैं इधर उधर घूम भी पाऊंगा और मुझे किसी का डर भी नहीं होगा। मैं आराम से खाऊंगा, आराम से सोऊंगा, और ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही मैं पुलिस को देखूंगा मुझे वहां से भागना पड़ेगा। उसे ये डर है कि उसे पुलिस पकड़ सकती है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके विंसेंट चार्ल्स गेराट की आइडेंटिटी से जीना चाहता है। गेराट सेज इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फूलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। यू आर मच लकियर। गेराट कहता है जितने भी मेलोड्रामास होते हैं, जितने भी प्लेज होते हैं, उनमें दिखाया जाता है कि जो विलन होता है वो बड़ा ही बेवकूफ होता है, वो अपने आप को मरवाता ही नहीं है, उसको एक्सटेंड करता रहता है और फ्रस्ट्रेट होता रहता है, मींस वो हर वक्त भागता रहता है और पुलिस उसके पीछे होती है। लेकिन कहता है कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम ये सारा ड्रामा बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। इंट्रूडर सेज आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेराट, सी I've got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This was Mr. V.C. Gerard speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice. And that's not all. He stands up. Get up a minute. Gerard stands. Now take a look at me. Intruder कहता है कि मेरे पास हर चीज का एक reason है. मैं Vincent Charles Gerard बन जाऊंगा. और वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता था कि विंसेंट चार्ल्स गेराट कैसे बोलता है, और अब मुझे पता चल गया है। पॉश स्टफ मींस समथिंग विच इज वेल्दी एंड रिच। वो कहता है कि ये जो तुम्हारा बोलने का तरीका है, जो तुम्हारा उठने बैठने का तरीका है, ये अमीर लोगों का तरीका है और अब मैं इसे सीख चुका हूं। पैंटोमाइम मींस टू माइम और कॉपी समवन। तो फिर ये इंट्रूडर गेराट की नकल उतारता है और कहता है दिस इज मिस्टर वीसी गेराट स्पीकिंग। उसने उसका फोन पे बात करने का तरीका कॉपी किया और फिर वो कहता है कि ये ही सिर्फ नहीं है, तुम भी खड़े हो और फिर मेरे को देखो। वो ये कहना चाहता है कि इंट्रूडर और गेराट कितने सिमिलर हैं। गेराट सेज यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। गेराट कहता है कि तुम इतने सजावटी नहीं हो। वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा जो पहनावा है, जो तुमने ड्रेस पहनी हुई है, वो मेरी तरह इतनी बढ़िया नहीं है। इंट्रूडर सेज नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। इंट्रूडर कहता है कि जैसे तुम तैयार हो मैं भी वैसे ही तैयार हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारी तरह स्पेक्स पहन लूंगा तो मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा। गेराट सेज व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे लेट यू डाउन इफ यू नॉट केयरफुल। गेराट कहता है लेकिन तुम्हारे कपड़े मेरे जैसे नहीं है, अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम पकड़े जा सकते हो। अब हम थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं कि गेराट ने कैसे कपड़े पहने हुए थे। उसने एक लाउंज सूट पहना हुआ था और एक ग्रेट कोट, और ये जो इंट्रूडर है इसने कैसे कपड़े पहने थे हमने शुरू में पढ़ा था, उसने फ्लैशी कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही चमकीले और भड़कीले, और एक सॉफ्ट हैट पहनी हुई थी। तो गेराट कहता है कि तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल मेरे जैसा नहीं है और अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो पकड़े जा सकते हो। इंट्रूडर सेज दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा, उनकी फिटिंग मुझे ठीक आएगी। देन गेराट सेज दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग,
But you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. Then the intruder says, So that's what you think. गिरार्ड उसे कहता है कि तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे. मैं ये कहना चाहता था कि जितने भी ड्रामास होते हैं, जितनी भी मूवीज होती हैं, उसमें जो विलन होता है, तुम उससे लकी हो. और फिर वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी कारण के बिना तुम मुझे क्यों मारोगे. तो इंट्रूडर कहता है कि अच्छा, तुम ये सोचते हो कि अगर मेरे पास कोई रीजन नहीं है तो मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए. Girard says, you let me go and thank God you didn't shoot sooner. Girard says कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारोगे नहीं और शुक्र भगवान का कि अभी तक तुमने मुझे मारा नहीं. Intruder says, come on, what's on your mind? Better be quick, this conversation bores me. Intruder Girard को कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ तुम क्या सोच रहे हो. अब देखो यहाँ पर Girard क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे इंट्रूडर के माइंड पर हावी हो रहा है. वो उसका जो खून करने का इरादा है उसे निगेट कर रहा है, उसे खत्म कर रहा है. और इंट्रूडर धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा है, वो भी इंक्विजिटिव हो रहा है जानने के लिए कि गिराट क्या कहना चाहता है. गिराट सेज, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी. एल्यूड मीन्स टू एस्केप. गिराट कहता है कि तुम बस ये चाहते हो कि तुम पुलिस से बच सको और इसलिए तुम मेरी आइडेंटिटी चुराना चाहते हो. इंट्रूडर सेज, यस आई लाइक द आइडिया. इंट्रूडर कहता है कि हाँ, मेरा यही प्लान है. गिराट सेज, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू. क्या तुम्हें इस बात का पक्का पता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पुलिस से बच पाओगे. तो गिराट इंट्रूडर के दिमाग में शक डाल रहा है, डाउट डाल रहा है कि हो सकता है गिराट भी वांटेड है, पुलिस गिराट का भी पीछा कर रही है, उसे भी पकड़ना चाहती है. और अगर इंट्रूडर गिराट की आइडेंटिटी चुरा भी लेगा तो उससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, वो पुलिस से बच नहीं पाएगा. दिस इज हिज प्लान. देन इंट्रूडर सेज, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड. आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप. सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज. डॉज मीन्स टू रन, टू try and escape from someone, to avoid someone. और यहाँ पर वो किससे भाग रहा है? पुलिस से. इंट्रूडर उसे बताता है कि मैं शहर में काम करता था, कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से मैंने एक पुलिस वाले का खून कर दिया और तब से मैं पुलिस से भाग रहा हूँ. गिराट says, and this is where dodging has brought you. गिराट कहता है और भागते भागते आज तुम मेरे कॉटेज तक पहुंच गए. इंट्रूडर says, it brought me to Ellisbury. That's where I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you are a bit queer, kind of a mystery man. Queer means something which is strange, ajeeb. Intruder Girard ko kehta hai ki main police se bhagte bhagte Ellisbury pahuncha, jahan par maine tumhe dekha aur wahan par maine dekha ki do log khade hue the jo ki tumhare bare mein baatein kar rahe the aur aise laga unki baatein sunkar ki tum thode ajeeb se insaan ho, mysterious ho. Girard says, a mystery which I propose to explain. Girard कहता है कि मैं तुम्हें explain करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो क्या mystery है मेरे बारे में जो वो लोग discuss कर रहे थे. Intruder disregarding him. अब intruder Girard की बात पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. अब इंट्रूडर डिटेल में बता रहा है कि उसने उन दो लोगों की बातों से क्या सुना. उसने ये सुना कि वो कभी भी अपने फोन पर सामान ऑर्डर कर देता है, कभी अचानक से घर छोड़कर चला जाता है, कभी अचानक से वापस आ जाता है. एंड इंट्रूडर सेज कि मैं भी यही सब कुछ करना चाहता हूँ और जब मुझे पता लगा कि तुम ऐसे हो तो ये न्यूज मेरी सबसे अच्छी और लकी खबर थी, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी आराम से चुरा सकता हूं और तुम्हारे नाम की जिंदगी जी सकता हूं. गिराट सेज, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री. इन्वेस्टेड मींस मैंने किसी चीज को लिया हुआ है. क्लोक ऑफ मिस्ट्री मींस अ श्राउड, अ
क्लाउड अ व्हील ऑफ मिस्ट्री सस्पेंस. गिराट कहता है लेकिन तुम में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है ये जानने की कि मैं इतना मिस्टीरियस क्यों हूं, मैंने अपने आसपास ये मिस्ट्री का क्लाउड या श्राउड क्यों बनाया हुआ है. इंट्रूडर सेज प्रिपेयरिंग टू शूट. एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बॉस मी. अब इंट्रूडर फिर से इरिटेट हो गया और ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो गोली मारने वाला है और वो कहता है कि ये जो बातचीत है इससे मैं बोर हो रहा हूं. गिराट सेज डोंट बी अ फूल. If you shoot, you will hang for sure. If not as yourself, then as Vincent Charles Girard. अब यहाँ पर गिराट इस इंट्रूडर को अपनी बातों में फंसा रहा है. वो कहता है कि बेवकूफ मत बनो. अगर तुम गोली चला भी दोगे तो भी, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी की वजह से नहीं पकड़े जाओगे तो विंसेंट चार्ल्स गिराट की आइडेंटिटी से पकड़े जाओगे. इंट्रूडर सेज व्हाट इज दिस. इंट्रूडर को विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि गिराट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो भी एक क्रिमिनल है, वो भी वांटेड है. और वो इस इंट्रूडर को ये कह रहा है कि अगर ये इंट्रूडर विंसेंट चार्ल्स गिराट बनकर जिएगा तो भी पुलिस इसे पकड़ ही लेगी. गिराट सेज दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट. व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल. यू से My habits would suit you. You are a crook. Crook means a cheat. Do you think I am a Sunday school teacher? Sunday school teacher एक honest person को refer कर रहा है. तो गिराट क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई Sunday school teacher हूं, यानी कि एक honest person हूं. The game's up as far as I'm concerned. Game's up means the game is over. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There it is. Gerard कहता है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं सही था. और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना मिस्टीरियस हूँ, कभी कहीं आ जाता हूँ, कभी चला जाता हूँ. तो अगर तुम एक क्रुक हो, एक चीट हो और तुम्हें लगता है कि मेरा जो तौर तरीका है वो तुम्हारे को सूट करता है, तो क्या मैं क्रुक नहीं हो सकता. और फिर वो ये कहता है कि मैंने भी बुलेट्स चला के, गोलियां चला के अपना काम पूरा किया, यानी कि मैंने भी किसी का मर्डर किया हुआ है. और मैं तो उससे भाग गया, बच निकला, लेकिन मेरा एक आदमी था जिसने पुलिस को कुछ एविडेंस दे दी. उसके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो उसे जला देनी चाहिए थी, डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए थी, पर उसने नहीं की. वो इतना बेवकूफ था. और वो सब एविडेंस पुलिस को मिल गया, जिसकी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और आज मुझे चिंता है कि मेरे ऊपर मुसीबत पड़ सकती है. इसलिए मैंने अपने बैग्स पैक करके रखे हुए यहां से भागने के लिए. इंट्रूडर सेज इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस. Girard says, this is a disguise outfit, false mustaches and what not. Now, do you believe me? Intruder कहता है कि ठीक है, तुमने backpack किया हुआ है और मेरे पास एक gun भी है. लेकिन ये बताओ, bag में ये जो सब सामान है, ये क्या है? Girard says, ये एक disguise outfit है. Disguise means to give a different appearance in order to hide one's identity. अगर आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं, आप कुछ अलग अलग चीजें पहन लेते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके. तो गिराट कहता है कि ये सब चीजें मैंने इसलिए इकट्ठा की है ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकूं. और फिर वो उसे पूछता है कि अब तो तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो व्हाट इज गिराट डूइंग. वो इस इंट्रूडर को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है और उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी एक क्रिमिनल है. Intruder says musingly, I don't know. Girard says, for God's sake, clear that muddled head of yours and let's go. Come with me in the car. I can use you. If you find it's a frame, you've got me in the car and you've still got your gun. Muddled means confused. Frame means something which is false, झूठा होना. इंट्रूडर अभी भी कंफ्यूज्ड है. वो गिराट की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन गिराट कहता है कि प्लीज भगवान के लिए अपनी ये कंफ्यूज दिमाग को छोड़ो और मेरी बात मान लो.
वो उसे कहता है कि आओ मेरे साथ कार में यहाँ से भागते हैं। अगर तुम्हें लगा भी कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम्हारे पास गन तो है और तुम इसके साथ मुझे मार सकते हो। इंट्रूडर सेज मे बी यू आर राइट। अब इंट्रूडर को थोड़ा थोड़ा गिराट पर विश्वास होने लगता है। गिराट सेज देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। इंट्रूडर सेज केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू। गिराट सेज आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। He'll ring up if he sees the police, but I don't want to leave. Telephone bell rings. Come on, they're after us. Through here, straight to the garage. अब जब इंट्रूडर को गिराट की बातों पर विश्वास हो रहा है तो गिराट उसे कहता है कि चलो चलो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पोस्टेड मीन्स पोजिशनड, कहीं पर खड़ा होना। वो कहता है कि मैंने मेन रोड पर अपने एक आदमी को खड़ा किया हुआ है और जैसे ही वो पुलिस को देखेगा वो मुझे फोन कर देगा। और तभी फोन बज पड़ता है और गिराट इंट्रूडर को कहता है कि चलो चलो हमें गैराज से निकलकर बाहर भागना है। इंट्रूडर सेज हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ। गैराज सेज ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। इंट्रूडर कहता है कि मैं कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो। गैराज कहता है कि बेवकूफ मत बनो, जाओ खुद जाकर खिड़की से बाहर देख लो। Gerard opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side towards Gerard but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. अब गिराट ने क्या किया? जो दरवाजा वो उसे दिखा रहा था ना कि ये गैराज का दरवाजा है बाहर झांक लो, एक्चुअली वो क्या था? वो कबर्ड का डोर था। अब इंट्रूडर गैराज की बातों में आ जाता है। वो आगे की तरफ झुक के कबर्ड में झांकने की कोशिश करता है लेकिन उसने रिवॉल्वर गैराज पर एम की हुई है। जैसे ही वो अपना सर घुमाता है बाहर देखने के लिए, गैराज उसे कबर्ड में धक्का दे देता है, उसके रिवॉल्वर हाथ से गिर जाती है और गैराट उसे कबर्ड में बंद कर देता है। और फिर गैराट रिवॉल्वर उठा लेता है और अपने फोन के पास जाता है और उसकी जो गन है उसने उसे कबर्ड पर पॉइंट किया हुआ है इंट्रूडर की तरफ कि अगर बाय चांस इंट्रूडर कबर्ड खोलकर बाहर आ जाएगा तो वो उसे गन से मार सकता है। फिर गैराट फोन करता है। इंट्रूडर रैटल्स द डोर एंड शाउट्स लेट मी आउट ऑफ हियर। इंट्रूडर कोशिश कर रहा है कबर्ड का डोर तोड़ने की और वो चिल्ला रहा है कि मुझे यहां से बाहर निकालो। गैराज सेज हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई विल पुट इट इन माय नेक्स्ट प्ले। लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। अब गैराट किसी से फोन पे बात कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट ऑफ बॉदर। स्पॉट ऑफ बॉदर मीन्स समथिंग दैट कॉजेज इनकन्वीनियंस और ट्रबल, कोई ऐसी चीज जो आपको ट्रबल दे रही है, आपको तंग कर रही है। अम्यूजिंग मीन्स समथिंग दैट इज फनी हिलेरियस। प्रॉप्स आर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय एक्टर्स, जैसे कि एक्टर्स अलग अलग रोल्स परफॉर्म करते हैं उसके लिए उन्हें डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो चीजें यूज करते हैं उन्हें प्रॉप्स कहा जाता है। जैसे कि आर्टिफिशियल मुस्टैशेस, विग्स, ड्रेसेस, इन्हें प्रॉप्स कहते हैं। तो गैराट फोन पर किसी को कहता है कि सॉरी मैं लेट हूं, मैं तुम्हें रिहर्सल के लिए प्रॉप्स टाइम पर नहीं दे पाऊंगा। तो वो जो सूटकेस में मुस्टैशेस वगैरह पड़ी हुई थी वो क्या थी? वो एक प्ले के रिहर्सल के प्रॉप्स थी, ना कि गैराट कोई क्रिमिनल था जो कि अपना भेष बदलने के लिए उन्हें यूज करता था। फिर गैराट फोन पर कहता है कि मेरे सामने एक मुसीबत आ गई है जो कि काफी फनी है और मैं अपने नेक्स्ट प्ले की जो स्टोरी है इस इंसिडेंट पर बनाऊंगा। कौन सा इंसिडेंट? यही इंट्रूडर वाला इंसिडेंट जो गैराट के साथ हुआ। और फिर वो उसे कहता है कि जो सार्जेंट है, सार्जेंट मीन्स द पुलिसमैन, सार्जेंट है जो मेरा दोस्त है, उसे प्लीज कहना कि मेरे घर पर जल्दी से आ जाए। वो क्यों सार्जेंट को बुला रहा है? क्योंकि उसने इस इंट्रूडर को पुलिस को देना है। और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें सार्जेंट पब्लिक बार में मिल जाएगा।
तो इसके साथ ही गेराड इस स्टोरी का दी एंड कर देता है. वो बड़ी क्लेवरली इंट्रूडर को ओवरपावर करके अलमारी में बंद कर देता है और फिर फोन पर पुलिस को बुलाता है ताकि वो इस इंट्रूडर को पुलिस को दे सके. सो दिस इज द प्ले. इफ आई वर यू, वी हैव रेड इट, वी हैव डिस्कस्ड इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. And for more videos, please subscribe to our channel, English Academy. Thank you.